السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، رب زدني علما، آمين يا رب العالمين. अल्लाह ताला की तौफीक से, उसके ख़ास फ़ज़ल और एहसान और करम से आज हम दोबारा बैठे हैं अल्लाह ताला की किताब को समझने के लिए। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और हमें सही फ़हम और अमल अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा की आयत नंबर 101 तक हम कर चुके हैं और अहले किताब ही का जिक्र आ रहा था, उनकी उनके जो सिफ़ात हैं, सिफात गलीजा आप कह लें, कि वो हक को कैसे छुपाते हैं और कैसे बदलते हैं, उन चीज़ों का जिक्र हमने पढ़ा। अब आगे भी बनी इसराइल में ही एक जो पैगंबर गुजरे हैं उनके उनका जिक्र आ रहा है, देखते हैं अब इंशाल्लाह। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वत्तबाउ और उन्होंने इत्तबा की, वो पीछे लग गए। मा तत्लुश शयातीन, जो तिलावत करते थे शयातीन। आला मुल्की सुलेमाना, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुमलिकत में, हुकूमत में। वमा कफरा सुलेमानु, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो कुफर नहीं किया। वलाकिन शयातीना, लेकिन शैतान, कफरू, उन्होंने कुफर किया। युअल्लिमुनन नास, वो सिखाते थे लोगों को, अस्सिहर, जादू। वमा उन्जिला, और नहीं नाजिल किया गया। अलल मलकैनी, दो फरिश्तों पर। बिबाबिला, बाबुल में। हारूता व मारूता, हारूत और मारूत, ये दो दो फरिश्ते, हारूत और मारूत, मलकैन अल्लाह ताला ने कहा उनको। वमा युअल्लिमानी, और नहीं वो दोनों सिखाते थे, तस्निया का सीगा, युअल्लिमानी, वो दोनों सिखाते थे। मिन अहदिन, किसी को भी। हत्ता, यहाँ तक के। यकूला, वो दोनों कह लेते थे। इन्नमा, बेशक, नहनु फितना, हम फितना हैं, हम आजमाइश है। फला तकफुर, तो बस तुम कुफर मत करो। फयतअल्लमूना, बस वो सिखाते थे, मिन, वो सीखते थे। युअल्लिमान का मतलब सिखाते थे, और ता भी आ गया, यतअल्लम का मतलब सीखते थे। ता का जब ता आ गया तो उसका मतलब सीखते थे, और युअल्लिमान सिखाते थे। ओके, फयतअल्लमूना, पस वो सीखते थे। मिनहुमा, यानी वो सब लोग, मिनहुमा, उन दोनों से, यानी हारूत और मारूत से। मा युफर्रिकूना, जो तफरका डाल दे, फर्क कर दे, यानी जुदाई डाल दे। बिही, उसके साथ, यानी जिस जिस चीज के साथ जुदाई डले। बैनल मरई व ज़ौजिही, औरत और उसके मर्द और उसकी बीवी के दरमियान। मेरा ख्याल आगे मैं पूरा तर्जमा पहले करने की बजाय साथ साथ उसको तफसीर लेके चलती हूँ, क्योंकि फिर साथ साथ जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है ये, बहुत सारे हमारे अकायद इसमें इन्वॉल्व हैं, तो अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए इसको, आमीन। इसमें बात हो रही है सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो कि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, हम सबको मालूम होगा इंशाअल्लाह। तो वो हमें पता है कि वो कितनी बड़ी उनकी ममलिकत थी, यानी उस तरह की अल्लाह ताला ने उससे पहले किसी को ममलिकत नहीं दी थी। वो यानी ना सिर्फ इंसानों पे हुकूमत करते थे, अल्लाह ताला ने नबूवत भी दी, हुकूमत भी दी। एक मिनट,
माजा चाहती हूँ। जी, मैंने खुद ही माइक म्यूट किया था। वो असल में कॉल भी एक बीच में आ गई थी, वो जरूरी थी, पाकिस्तान से आ गई थी। अच्छा चले, ठीक है। तो आउज़ बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम। तो बात हो रही थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने उनको मम्लिकत अता फरमाई, तो ना सिर्फ वो इंसानों पे हुकूमत करते थे बल्कि जिन्नों पे और चरिंद परिंद हैवानात और हवा उनके कब्जे में थी। तो यानी बहुत वसीउ रीज उनकी सल्तनत थी। तो उसमें और चूंकि मतलब इतना और मौजजात तो हर नबी को मिलते हैं, तो जो बनी इसराइल थे उनके सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उन्होंने ये अकीदा घड़ लिया कि वो नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला जादूगर थे, ठीक है। और आपको पता है यानी जो बनी इसराइल है स्पेशली उनमें यहूदी जो है, क्योंकि बनी इसराइल में जो आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है उनको निकाल के जो पीछे सारे हैं वो यहूदी ही हैं, उनको हम यहूदियों के नाम से अब हम याद कर रहे हैं। जो 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 यहूदियों में हजरत ईसा है, फिर उनकी नबूवत पे ईमान ला के तो वो जो निकल गए यहूदियत से वो ईसाइत में आ गए, उनको हम ईसाई के नाम से याद करते हैं। बाकी पीछे सारी नस्लें इनकी हम अब उनको बनी इसराइल कह के, यानी स्पेशली हम यहूदी कह के आप समझ लें, क्योंकि ईसाइयों को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो पीछे वाली सारी नस्लें इनकी, तो उन्होंने हर नबी के बारे में गलत अकायद घड़ लिए हुए थे, नाउज बिल्ला। यानी इतने कबीरा गुनाह नबियों के साथ इन्होंने एसोसिएट किए हुए हैं, नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला। यानी मेरा तो कहने को भी नहीं दिल चाहता, जो जो वो कबीरा गुनाह वो किसी ना किसी नबी से उन्होंने कोई ना कोई गुनाह जो है वो एसोसिएट किया हुआ है। तो और पीछे हम पढ़ भी आए कि नबियों को झुटलाते भी थे, कत्ल भी करते थे, उनकी तकजीब करते थे, और फिर हम देखते हैं कि उनके आज भी उनके किताबों में कितने गलत अकायद हैं। तो उनमें से जो हजरत सुलेमान के बारे में अकीदा था, वो कह रहे थे कि कुफर नाउजुबिल्ला जादूगर थे वो। तो एनीवेज जादू हमें पता है कि कुफर है, ठीक है, सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस शरीयत में नहीं, कभी भी जादू जो है वो कुफर रहा है हमेशा से, और वो शैतानी ताकतें हैं। अब जादू के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए? हमें जादू का इनकार नहीं करना, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं नहीं जादू वादू कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये इस्लामी अकीदा नहीं है। जादू हकीकत है, वो चलता भी है, लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी के साथ ही, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा पक्का अकीदा होना चाहिए, मुझ पे कोई जादू नहीं असर कर सकता, मुझ पे कोई जादू नहीं चल सकता अगर अल्लाह ना चाहे। ये हमें अच्छे से समझना है, लेकिन फिर भी चूंकि वो चल भी सकता है, अल्लाह ताला की मर्जी से ही चलेगा, ठीक है, वो आजमाइश होगी फिर, और उसको सीखना सिखाना दोनों जो है वो हराम है, आप कह लें सीखना सिखाना दोनों हराम है। क्यों? क्योंकि देखें, जो एक ईमान वाला होगा, जो एक बिलीवर होगा, उसकी तो असल ताकत दुआ में होगी, वो तो अल्लाह ताला से दुआ करेगा, उस दुआ में जादू से ज्यादा ताकत है, क्योंकि दुआ अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, वो यानी मतलब अनहोनी को होनी कर देता है अल्लाह सुभान व तआला, उसके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जादू से बड़ी ताकत दुआ है जो कि हमारे पास है। तो एक ईमान वाला, एक बिलीवर कभी भी जादू की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको जादू क्यों इंसान सीखना चाहता है? अपने कुछ चीजों को, कुछ ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, कुछ चीजें जो उसको लगता है कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो वो जादू के जरिए करना चाहता है, ठीक है। मतलब जाहिर है, मुझे मैं क्या मिसाल दूं कि मतलब अगर और स्पेशली देखें, जादू की तरफ ना नेगेटिविटी वाले लोग जाते हैं, जो जादू कराने की तरफ जाते हैं ना, वो नेगेटिविटी वाले होते हैं कि किसी की खुशी उनसे नहीं देखी जा रही, किसी की कामयाबी नहीं देखी जा रही, तो उनका दिल चाहता है कि वो छिन जाए किसी तरह उनसे। हासिद जो होते हैं, हसद करते हैं, तो फिर वो इवल स्पिरिट्स का सहारा लेके, जादू का सहारा लेके चाहते हैं कि इनको नुकसान पहुंच जाए और ये मतलब जो है ना वो मतलब डाउन हो जाए, और फिर उनको जो है वो दिली खुशी मिलती है इस तरह की। और या फिर किसी से मोहब्बत है, जैसे हमारे जवान या मतलब जो भी है वो कहते हैं कि अच्छा किसी तरह वो मेरे उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, राइट। मतलब एक जो कॉमन चीजें हैं, कहीं कोई मान नहीं रहा किसी चीज के लिए, उस पर जादू करा दें कि अच्छा ये मेरी बात मान ले, राइट, इस तरह की चीजें। तो ये सारी नेगेटिविटी है।
नेगेटिविटी के लिए ही इंसान सीखता है, तो जाहिर है कि नेगेटिविटी तो वैसे ही इस्लाम में पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को कहाँ पसंद है। तो इस वजह से उसका सीखना सिखाना, क्योंकि इंटेंशन ही रॉन्ग होती है, गलत इंटेंशन से ही वो सीखा सिखाया जाता है। कभी भी किसी ने किसी के फायदे के लिए आपने नहीं सुना होगा कि जादू कराया है ना, तो जादू जब खुद ही एक गलत चीज है, और वो कैसे, वो शैतानी अमल है और शयातीन ही की मदद ली जाती है। हमें पता है कि शैतान जो है वो जिन्नात जो है वो उनमें इंसानों से ज्यादा पावर है, हमें वो नजर नहीं आते। बहरहाल तो उन्हीं से जो शैतानों, अच्छा जिन्नात, अगेन जब जिक्र आया शैतान का और जब जिन्नात का, तो इसमें भी हमारा अकीदा है कि जिन्नात हकीकत है। और यानी फिर वही कि जो आज के जो लिबरल समझ लें कि मुसलमान है, आज के भी या हर जमाने में जो अपने आप को थोड़ा वो लिबरल शो करना चाहते हैं, वो कहते नहीं नहीं जी जिन्नात कुछ नहीं है। इवन बस वही जैसे मैं सुन रही थी तो मुझे पता चला, पहले भी मैंने जिक्र किया कि सर सैयद अहमद खान का एक बड़ा नाम है इस इंडो पाक की हिस्ट्री स्पेशली आप पढ़ें तो, मतलब उन्होंने बड़ा अच्छा मुसलमानों के लिए काम किया, उनको तालीम की तरफ लेके आए, तहरीक आजादी में उन्होंने रोल अपना प्ले किया, वो बहुत अप्रिशिएटेड उनका रोल है। लेकिन अकायद में उनके काफी गड़बड़ थी, मतलब वो एक अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें फरमाए उनको, क्योंकि मुसलमान थे और हर मुसलमान के लिए हमारा जो है ना कलमा गो मुसलमान। देखें फिरका बंदी वहीं से होती है जब हम बस एक खुद से छाप लगा के और उनको बस नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो चले वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला कोई भी कलमा गो हो, हमें उस पे उम्मीद रखनी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके अकायद की भी अगर गड़बड़ है अल्लाह ताला माफ कर दे अपने यानी अपनी खास रहमत से। तो एनीवेज वापिस आती हूँ मैं टॉपिक की तरफ, सॉरी मैं दूर निकल गई। तो उनका भी ये अकीदा था कि नहीं जिन्नात की कोई हकीकत नहीं है और जो है वो इंसानों में ही मतलब जो है ईवल और वो होते हैं अच्छे और बुरे। तो एनीवेज हमारा अकीदा मुसलमान होने के हवाले से ये है कि जिन्नात की हकीकत है, शयात और जिन्नात में जो जो ईवल होते हैं वो जो इबलीस के फॉलोअर्स हैं वो शैतान हम उनको कहते हैं, ठीक है। और वो ही उनकी मदद से ही जो आज जो भी जादू करता कराता है वो उनकी मदद लेते हैं और बहुत कुफ्रिया चीजें उसमें करते हैं वो। अब ये चूंकि गलत है खुद ये, ठीक है, और अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए जो थे और उनको साबित करने के लिए कि देखें जो यानी सुलेमान अलैहि सलाम ने कुफर नहीं किया, क्योंकि जो उनको जादूगर कहते थे और जादू कुफर है, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शयातीन तिलावत करते, जो जो शयातीन पढ़ते थे जो जादू के मंत्र टोने, वो उसकी उन्होंने पैरवी की, यानी जो बनी इसराइल में जो जो मतलब गुमराह थे वो उनके पीछे लग गए, शयातीन के पीछे लग गए और वो जादू सीखने की उसमें लग गए, ठीक है। और वो यानी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के जाने के बाद मैं कह रही हूँ उनकी हुकूमत में भी जिन्नात वगैरह तो थे, ठीक है। तो लेकिन ये हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने ये कुफर नहीं किया था, बल्कि कहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने लेके ना उनसे, क्योंकि जिन्नात पे उनकी हुकूमत थी तो उनको उन्होंने अपने वो तख्त में नीचे दबा दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर इस और वो बाद में उन्होंने फिर वहां से निकाल लिया, और इसीलिए कहा जाता है कि वो उन जो बाद में उनके वो तख्त के नीचे से उन्होंने वो निकाला तो फिर उनको लगा कि ये देखो ये सुलेमान अलैहि सलाम इनके बल पे ही हुकूमत करते थे, नाऊज़ बिल्ला, ठीक है। तो बहरहाल एनीवेज उनका जो अकीदा बना हुआ था, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लेकिन शैतान जो थे उन्होंने कुफर किया, यानी ये जो ये जादू का काम जो है ना ये शैतान करते थे वो नहीं करते थे, ठीक है। और वही जो शयातीन है लोही ही लोगों को जादू सिखाते थे, ठीक है। अच्छा अब वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिला हारूत व मारूत, और जो उतारा गया यहाँ से भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यानी इन यहूदियों ने अल्लाह ताला की किताब और उसके अहद की तो कोई परवाह नहीं की जो ऊपर हम बात कर रहे थे, अलबत्ता शैतान के पीछे लग के, यानी अल्लाह की किताबें मौजूद थी उनके अंदर यहूदियों में, लेकिन फिर भी उसको छोड़ के शैतान के पीछे लगकर ना सिर्फ वो जादू टोने पर अमल करते रहे, बल्कि ये दावा भी किया कि हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम नाऊज़ुबिल्लाह जादू करते, ठीक है, और जादू के जोर से ही हुकूमत करते थे। और अल्लाह ताला ने वाजह कह दिया कि नहीं ये जादू नहीं करते थे वो, क्योंकि जादू तो कुफर है और इस कुफर का इर्तकाब हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम हरगिज़ नहीं कर सकते। और फिर जैसे मैंने बताया कि हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम के जमाने में बहुत सिलसिला ये आम हो गया था,
और इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे वो किताबें वगैरह जहाँ जादू टोने की वो लिखी हुई थी चीज़ें वो लेके उन्होंने अपनी कुर्सी या तख्त के नीचे दफन कर दी थी। ये जो भी मैं आपको बात बता रही थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने वो वहां से निकाल लिया उन शयातीन ने और जादूगरों ने, और ना सिर्फ लोगों को दिखाया बल्कि लोगों को ये बावर कराया, उनको ये बताया कि देखो यही थी चीजें जिनसे हज़रत सुलेमान सीख के तो हुकूमत करते थे, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसकी ये इब्ने कसीर में ये इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो जो मा उन जिला में, यानी मा नाफिया मेरा मुराद लिया है कुछ उलमा ने, कुछ मुफस्सरीन ने, और कहा कि हारूत और मारूत पर नहीं उतारा अल्लाह ताला ने। ठीक है, लेकिन जो पीछे हम जो बात हो रही और जो आगे बल्कि बात आएगी वो, यानी ऐसा नहीं है कि नहीं उतारा, वो उतारने ही की यानी माने में आ रहा है कि हारूत और मारूत इसराइलियात में, यानी इसराइली रवायात में, उनके बारे में भी बहुत सारी रवायात हैं, इसराइलियात हैं बहुत सारी उनकी बुक्स में। ठीक है, लेकिन सही हदीस से कुछ साबित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बस बहुत शॉर्टली उनका जिक्र आया है कि वो दो फरिश्ते थे। ठीक है, दो फरिश्ते थे और अल्लाह ताला ने उनको जादू का इल्म यानी उन पर जो नाजिल किया। देखें, अब अल्लाह ताला ने जादू का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कि जो अल्लाह ने हारूत और मारूत पर जो जादू का वो उन्होंने जो जादू का इल्म नाजिल किया और वो लोगों को सिखाते थे। ठीक है, यानी आप कह लें कि डेलिकेट है ये चीज, इसलिए अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं किया। बहरहाल, तो जो भी सिखाया फरिश्ते उनको, जो फरिश्तों पर अल्लाह ने जो इल्म नाजिल किया और फिर वो लोगों को सिखाते थे। ठीक है, जादू का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो कि कॉन्टेक्स्ट में जादू की बात हो रही है तो वो कुछ ऐसा मतलब सिखाते जिनसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी। ठीक है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। देखें, चूंकि इसके बारे में कोई सही हदीस नहीं है तो इसलिए जो यहाँ पे लिखा है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बहरहाल, और अगर जादू सिखाए भी एक पर्पस, फॉर एग्जाम्पल फरिश्तों को अल्लाह ताला ने जादू सिखा के भेजा, तो उसका पर्पस ये भी हो सकता है कि देखो जादू ये है और जो अंबिया के मौजजे हैं वो अलग हैं। ठीक है, यानी जादू तो ये है जो मतलब एक धोखा होता है, लेकिन अंबिया के जो मौजजे हैं, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम पे ये जादूगर होने का इल्जाम लगाते थे, तो वो चीज अलग है, ये बताने के लिए भी सिखाया जा सकता है। यानी कभी कभी होता है ना कि सही चीज बताने के लिए गलत भी बतानी पड़ती है कि देखो ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो ये भी पर्पस उसका हो सकता है, और ये भी कि मतलब जो है वो सिखा दें और उनको बता दें कि देखो ये है जादू। ठीक है, जो इस तरह से होगा वो ये है जादू। तो एनीवेज, और फिर उन्होंने बता भी दिया जो अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत पर बाबल शहर में उतारा, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, वो नहीं सिखाते थे किसी को भी, वो दोनों जो थे हारूत और मारूत, वो किसी को भी तब तक कुछ भी नहीं सिखाते थे जब तक कि ये ना कह लेते इन्नमा नहनु फितना, कि हम तो आजमाइश है। यानी जो भी इल्म हमें सिखा रहे हैं ये एक आजमाइश है। यानी अगर तो सिर्फ जैसे मैंने अभी कहा कि उसका पर्पस ये भी हो सकता है कि उनको जादू का पता चल जाए, सर ये जादू है, ठीक है, और उसकी कबाहतें सारी और उसकी सारी बुराइयां भी उनको पता चल जाए, ताकि अगर कोई जादू कर रहा हो या उसमें इन्वॉल्व होना तो ये लोग बच जाए कि अच्छा नहीं भाई ये तो जादू है, उसको पहचान के, है ना, ये भी पर्पस हो सकता है। तो ये एक टेस्ट है कि ठीक है तुम्हें पता चल गया जादू क्या है, और अगर तुम उसको इस्तेमाल करने लग जाओ और गलत चीज के लिए इस्तेमाल करने लग जाओ तो फिर तो तुम, इसका मतलब है कि आजमाइश है। आजमाइश क्या है कि उनके पास इल्म आ गया जादू का, अब क्या वो उसको सिर्फ सही और गलत के पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको जादू खुद करने लग जाते हैं और वो गलत चीजें उसके थ्रू खुद वो सीख करते हैं, राइट? तो ये मतलब ये फितना था उनके लिए, आजमाइश थी। तो अगर तो वो बस समझ के और गलत सही की पहचान कर लेंगे तो ठीक है, चलो वो मकसद पूरा हो गया, लेकिन अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसका मतलब कि आजमाइश में वो फेल हो गए। ठीक है, तो वो लेकिन फरिश्ते जो थे वो पहले बता देते थे कि देखो हम आजमाइश हैं, नहनु फितना, हम आजमाइश हैं, फला तकफुर, तो तुम कुफर ना करना, ऐसा ना हो कि तुम इसमें लग जाओ और इन यानी जादू करने लग जाओ तो जादू जो है वो कुफर है। ठीक है, तो तुम कुफर मत करना। फयतअल्लमूना, बस वो सीखते थे उनसे, मिनहुमा, उन दोनों से वो लोग जो, तो फिर सीख लिया उन्होंने और सीख के फिर क्या किया, क्या किस चीज के लिए वो उसको यूज करते थे,
जो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे, ऐसी चीज वो सीख लेते थे। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो जादू है वो गलत चीज के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, स्पेशली देखें जैसे मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डालने के लिए। तो ये जो मतलब जो एक रिलेशन है जो औरत और मर्द का एक एक यानी आप कह लें कि एक जो अल्लाह ताला ने जो एक अट्रैक्शन रखी हुई है दोनों में एक दूसरे के लिए, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसमें उसकी यानी अगर वो गलत डायरेक्शन में निकल जाए तो इंसान हलाल हराम सब एक कर छोड़ता है, ठीक है। और इसीलिए बहुत क्लियर जो है वो आयात हैं, बहुत क्लियर अहदीस हैं हलाल और हराम हमें इस रिश्ते में बताने के लिए कि अगर किसी की मोहब्बत, जैसे मैंने भी कहा कि किसी से मोहब्बत हो गई किसी बीवी से, तो बस उसका दिल है कि बस वहां से हट जाए वो और मेरे साथ उस किसी तरह से उसका रिश्ता बन जाए। मतलब और भी बहुत सारी इसी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये जो मतलब एक रिलेशन, ये जो एक है वो बहुत बड़ी आजमाइश है स्पेशली मर्दों के लिए कि औरत की मोहब्बत जो है वो उनके दिलों में है, ठीक है। और वो अल्लाह ताला ने बल्कि जहाँ लिस्ट हमें दी ना कि जो इंसान की क्या क्या मोहब्बत है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो औरत की मोहब्बत है। तो एनीवेज ये, और आपको पता ही होगा कि पहला कत्ल हम पढ़ा है यहाँ हाबील और कबील, पहला कत्ल किस वजह से हुआ, औरत की वजह से हुआ, ठीक है। मैं इसको औरत को डिग्रेड नहीं कर रही कि औरत जो है वो फसाद की जड़ है, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये एक टेस्ट है उनके लिए, ये मोहब्बत जो औरत की मर्द के दिल में है और उसके पीछे वो फेल हो जाते हैं उस टेस्ट में, ठीक है। तो ये एक आजमाइश के लिए, लेकिन फिर वही उन्होंने मतलब वही सीखते थे जो औरत और मर्द के दरमियान जुदाई डाल दे, मियां बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। और फिर एक हवाले से हम ये भी बात समझ लें कि मियां बीवी की जो जुदाई है उसमें शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है। और देखें कितना नाजुक कितना सेंसिटिव रिश्ता होता है ये। तो हम मतलब एक दीनी इल्म हासिल करके हमें चाहिए कि अपने बच्चों बच्चियों में भी मतलब इतना टॉलरेंस दें कि मतलब वो चीजों को समझे अच्छी तरह से और छोटे छोटे इश्यूज को लेके लड़ाइयां ना करें, जुदाइयां मतलब ये फिर वही बात है ना कि ये उनके फ्लॉप हो जाएंगे, उन जादू तो असर कर ही नहीं सकता। और मियां बीवी मतलब अगर दीन पे चलने वाले होंगे, एक दूसरे के हुकूक और फराइज को समझेंगे, तो बिल्कुल भी वो जादू उन पे नहीं चलेगा और ना ही उनको मौका मिलेगा कि वो उनमें फसाद डलवा सके, लड़ाइयां डलवा सके, ठीक है। तो आपने वो भी सुना होगा ना कि जो शैतान जो है वो हर रोज अपना अर्श लगाता है पानी पे, हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और फिर वो अपने चेलों को मुख्तलिफ जो है वो उनको इंस्ट्रक्शंस देता है और शाम को वापस वो सारे चेले आके जो शैतान के चेले हैं उसको रिपोर्ट करते हैं। और जो सबसे ज्यादा जिसको शाबाशी मिलती है वो उसी को मिलती है जिसने मियाँ बीवी में जुदाई डलवाई होती है, ठीक है। कोई कहता है मैंने फलां से जना करवा लिया, कोई कहता है मैंने फलां से चोरी करवाई, फलां से यानी उसने शराब पिलवाई, यानी जो भी सारे गलत कबीरा से कबीरा गुना वो उनको, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसको शाबाश मिलती है, जो मियाँ बीवी में लड़ाई करवा के आया होता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो शैतान का इतना पसंदीदा काम और इस्लाम में उतना ही नापसंदीदा काम। और फिर ये लड़ाइयाँ आपको पता है अगर खुदा ना खास्ता तलाक तक पहुंच जाएं तो ये हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है तलाक, ठीक है। और हमारे माशरे में मतलब खैर बस सारी चीजों को मैं साथ बस कवर कर रही हूँ क्योंकि चीज जब टॉपिक चला हुआ हो तो फिर हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी क्या अहमियत है उसको भी समझ के गुजरना है कि आजकल शरा तलाक की जो है वो मुसलमान माशरों में भी बहुत बढ़ रही है। उसका सिर्फ और सिर्फ उसका रीजन दीन से दूरी है, हमारी दीन से दूरी है। हम अपने बच्चों को बच्चियों को वो दीनी तरबियत ही नहीं दे पा रहे जिसमें एक दूसरे के हुकूक और फराइज का उनको पता हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के अपने बच्चों को हम दीन के साथ जोड़ सकें, आमीन या रब्बुल आलमीन। एनीवेज तो वो जो थे वो कुफ जादू सीख के तो मियाँ बीवी में जुदाई ही डलवाने वाली चीज मतलब सीखते थे। वमा हुम बिगारीना भी मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और नहीं वो नुकसान पहुंचाने वाले थे किसी एक को भी सिवाय अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की मर्जी के बगैर। ये भी अकीदे की बात आ गई कि वो अगर खुदा ना खास्ता वो जादू चल के वो
पूरा होगा भी तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होगा। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं चल सकता, और वो अल्लाह ताला की फिर एक आजमाइश होगी और वो उनको लगेगा कि हाँ हमारा चल गया, और उनका अकीदा जादू पे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जी क्या कर सकते किसके लिए? शेख साहब के पास, पापा से बोलो बेटे मैं क्लास में। ठीक है तो आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम, वो और वो सीखते थे उनसे मा यदुर्रुहुम, जो नुकसान पहुंचाता उनको, वाला यनफअहुम, और ना तो उनको नफा पहुंचाता, यानी नुकसान वाली चीजें से। किसको नुकसान पहुंचाता ये तो अल्लाह ताला ने पीछे बता दिया कि वो नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकते अल्लाह की, सिवाय अल्लाह की मर्जी के, अल्लाह की इजाजत से ही किसी को नुकसान हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो वो खैर, और अगर होगा भी तो अल्लाह की मर्जी से होगा, और वो उसमें आजमाइश होगी उस बंदे के लिए भी जिस पे हो रहा है, और जो करा रहा है उसके लिए भी आजमाइश होगी कि अच्छा उसको लगेगा हाँ मेरा जादू चल गया, और वो उसका कुफर में और इजाफा हो जाएगा। और फिर देखें उस वो उनके लिए, उनके अपने लिए भी नुकसानदेह चीज है। क्या? क्योंकि एक तो उनका कुफर पे जादू पे अकीदा पक्का होगा, कुफर यानी उनका ईमान अपना चला गया ना, अस्तगफिरुल्लाह, यानी उन्होंने कुफर कर लिया। तो जो उन्होंने सीखा वो फायदा क्या पहुंचाना था, वो तो सरासर सरासर नुकसान, और नुकसान भी खैर जिसपे किया उसका तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अल्लाह ताला के हुक्म से वो चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन इनका तो जरूर नुकसान हो गया ना, क्योंकि इन्होंने तो उसमें जादू में इन्वॉल्व होके उसको सीख के करके इन्होंने कुफर कर लिया, और इनका ईमान यानी कितना बड़ा नुकसान इनका अपना हो गया। किसी का तो खैर क्या करना, इन्होंने इनका अपना सबसे बड़ा नुकसान हो गया कि इनका ईमान जाता रहा, अगर वो ईमान वाले थे भी तो। तो उन्होंने वो चीज सीखी, ये लोग वो चीज सीखते हैं जो उनको नुकसान ही देती है और कोई नफा नहीं देती। और अगर फॉर एग्जांपल इनको ये लगे भी कि हाँ जिस मकसद के लिए इन्होंने जादू किया था, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई मोहब्बत हासिल करने के लिए, किसी और चीज को मतलब अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, फर्ज करें इनको वो मिल भी गई दुनियावी हिसाब से, उनको वो मिल भी गई चीज, तो वो तो दुनियावी फायदा तो हमें वैसे ही पता है कि वो तो आरजी है ना, वो तो खत्म हो जाएगा, कितनी देर जी लेंगे, कितनी देर वो फायदा अपना अवेल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन नुकसान उन्होंने अपना किया, अव्वल तो किया ही नहीं, अल्लाह ताला उसको फायदा कंसिडर ही नहीं कर रहे, अल्लाह ताला कहते हैं नफा नहीं उनको कोई चीज वो पहुंचा सकती सिवाय नुकसान ही पहुंचाया। वलकद आलिमु लमन इश्तराहु मालहु, और यकीनन ये लोग एक मिनट, वलकद आलिमु, और यकीनन उन्होंने सीख लिया, जान लिया, लमनिश्तराहु मालहु, मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, उनके लिए आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है, वो बिल यकीन वो जानते हैं कि उसके लेने वाले के लिए आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं रहेगा, फायदा अगर उनको मिल भी गया जैसे मैंने अभी कहा दुनिया में, लेकिन आखिरत में उनका सारा हिस्सा गाया हो गया। वलबिस मा शरौ, कितना बुरा है जो उन्होंने ये मतलब फरोख्त किया है, या कितनी बुरी वो खरीदो फरोख्त है, भी अनफुसम, अपने नफ्सों को उन्होंने बेच दिया, और जो चीज खरीद ली जिस चीज के बदले अपने नफ्सों को उन्होंने फरोख्त कर दिया, वो कितनी बुरी चीज है, यानी दुनियावी जो फायदा जो भी उन्होंने लिया कितना बुरा है वो, कि उन्होंने अपना ईमान खो दिया और अपने नफ्सों को खो दिया और अपनी आखिरत का नुकसान कर लिया। लव कानू यालम, काश वो जानते होते, अल्लाह अकबर, ये निकाश वो जानते होते कि कितना घाटे का ये सौदा है, तो कभी उसमें इन्वॉल्व ना होते। वलव अन्नहुम आमनु वत्तकौ, और अगर अगर ये लोग मुत्तकी बन जाते, ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते, यानी देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ईमान वाला तो उधर जाने का सोच भी नहीं सकता ना, कुफर की तरफ, सॉरी ये जादू वगैरह की तरफ, ठीक है, जो कि कुफर है, सरीहन कुफर है। तो काश के वो ईमान ले आते, अगर ये लोग ईमान ले आते और तक्वा इख्तियार करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाही, तो अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब इन्हें मिलता, यानी और जो जो अल्लाह की तरफ से उनको सवाब मिलता खैरुन, वो बेहतर होता उनके लिए। लव कानु यालमून, काश वो जानते, यानी लेकिन यानी ईमान जो है उसका फल जो है वो आखिरत में मिलता है ना, और इंसान देख नहीं पाता उसको दुनिया में, तो उसको बस लगता है कि उसका जो है वो खसारा है।
और हालांकि जो वहां पे उसको मिलेगा वो बेहतरीन है। और मेरा ख्याल है तकवा को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत दफा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बात कर चुके हैं। अगली आयत की तरफ चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तकूलू राइना, तुम राइना मत कहो, वकूलू उन्ज़ुरना, और तुम उन्ज़ुरना कहो, वस्मऊ, और तुम सुनो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। बहुत अहम आयत है ये, क्योंकि इसमें भी एक बहुत ही हमें अहम कायदा सिखाया गया है बात करने के हवाले से, बात करने का एक अदब सिखाया गया है। ईमान वालों को कहा गया है कि तुम राइना ना कहो। अब राइना का क्या मतलब है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जब होते थे, मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब साथ होते थे और आप सल्लम उनको कुछ बता रहे होते थे, तो अगर यानी कुछ समझ ना आए तो जैसे राइना यानी हमारी रियायत कीजिए, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं मतलब इसका। और यानी जैसे एक्सक्यूज मी हम आजकल कहते हैं ना, कि एक्सक्यूज मी जरा रोकना हो या जरा कहना हो कि रिपीट कर दें बात हमें समझ नहीं आई, है ना। तो इस किस्म के जो अल्फाज हैं आजकल हम बोलते हैं, पार्डन मी, एक्सक्यूज मी, जरा रिपीट कर दें, तो ये वाली सेंस के लिए ये बोला जाता था, राइना हमारी रियायत कर दें, यानी मेरे से कुछ मिस हो गया है, मैंने कोई बात सुनी नहीं, जरा रियायत कर दें मेरे साथ और जरा मुझे दोबारा बता दे, ठीक है, ये वाली सेंस। लेकिन क्या था कि जो यहूदी थे वो भी जाहिर है आपको पता है कि वो निफाक का उन्होंने, वो निफाक उनके दिलों में था और लिबादा उन्होंने इस्लाम का ओढ़ा होता था और वो आपसे सलम की महफिलों में हाजिर होते थे, तो वो राइना कह के उसको बिगाड़ के राइना कहते थे। और राइना का मतलब चरवाहा, राइन चरवाहे को कहते हैं, ठीक है। और चरवाहा देखे मतलब उसका क्या, वैसे तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, ठीक है, इस्लाम जो है वो किसी प्रोफेशन को, किसी काम को डिग्रेड नहीं करता कि उसको जो है वो मतलब उसको कम हैसियत समझे, लेकिन जो उनका मतलब एक स्टाइल था कहने का, वो बेवकत करना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके जो दिलों में बुग़्ज़ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जो नफरत थी, वो अपनी उसको तस्कीन पहुंचाते थे कि जाहिर है उसको चरवाहे को तो कोई भी हायर कर सकता है और उसकी क्या वैल्यू होती है फिर उनकी नज़र में, ठीक है। तो यानी डिग्रेड करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह वो इस तरह की हरकत करते थे कि राइना करके कहते थे। तो अल्लाह ताला ने देखें ये अदब सिखा दिया कि ये लफ्ज ही ना बोलो, ठीक है, क्योंकि मोमिन तो ठीक है अच्छी नीयत से बोलते हैं लेकिन वो गलत नीयत से बोलते हैं, और फिर ऐसा लफ्ज कोई यानी मना ही कर दिया जिसके दो माने लिए जा सकते हैं, ठीक है, कि ना तुम कहोगे और ना ही फिर वो कहेंगे, यानी बात ही खत्म हो जाएगी। तो एक तो हमें इससे ये पता चला कि हमें भी आप अब देखें ये लफ्ज उधारा हम नहीं बोलते, लेकिन कोई भी ऐसा लफ्ज जो हमारी, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, पंजाबी में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके दो मानी लिए जा सकते हों, अदब का तकाजा है कि हम वो ना बोलें, ठीक है, और स्पेशली जहां दूसरा मानी जो है वो इंसल्टिंग होता हो वो हम ना बोलें, ये अदब का तकाजा है जो कुरान ने हमें सिखा दिया। उसके बजाय कोई ऐसा लफ्ज चूज करें जो जो सेफ हो, जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता हो, एक तो ये बात, और दूसरी ये बात कि मतलब जो जिसमें जैसे यानी रसूलुल्लाह, अब जैसे मोमिन तो थे वो तो सही कहते थे ना, लेकिन उसकी वजह से अगर फसाद हो रहा है या उसकी वजह से कोई खराबी आ रही है तो आप उस बात से हट जाएं, ठीक है। जैसे मतलब मैं कहूँ कि अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ, ठीक है, उसकी वजह से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरी बात है, कोई मेरी बात सही है लेकिन अगला बंदा जो है वो उसको गलत समझ रहा है या मतलब उसके काउंटर पे कुछ कह रहा है, तो मेरी बात हालांकि सही है फिर भी मैं उस बात से हट जाऊं, पीछे हट जाऊं, ताकि फसाद ना आगे बढ़े, ठीक है। मुझे वो हदीस याद आ गई और मुझे ना ये मतलब ये कतर में आके मेरी नजरों से यह हदीस गुजरी और मैं समझती हूँ कि शायद मेरे अंदर भी आदत थी पहले और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब मैंने उसको छोड़ दिया है। क्या वो थी बात कि जैसे कोई फर्ज करे बहस हो रही है किसी के साथ, तो यानी जाहिर है और जब बहस हो रही होती है तो हर बंदा अपने आप को सही समझ रहा होता है ना, और फिर उसमें से कोई एक सही होता है और दूसरा गलत होता है और हर बंदा अपने आप को सही समझ रहा होता है, इसीलिए वो बहस लंबी भी चली जा रही होती है।
तो मुझे मेरे अंदर भी ये आदत थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं मतलब अगर मुझे जब श्योर होता है कि मैं सही हूँ तभी मैं बहस करती हूँ, अगर और बल्कि अगर फिर मुझे बहस में मुझे पता चल जाए कि हाँ ये यहाँ पे मेरी गलती है तो मैं उसको मान जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मान जाती थी और अभी भी मेरी कोशिश होती है कि अच्छा मुझे बात समझ में आ गई कि हाँ ठीक है नहीं भाई मेरी यहाँ गलती है तो मान जाती हूँ। लेकिन अगर मैं सही होती हूँ और अगर अगला बंदा मुझे प्रूव नहीं कर पा रहा कि मैं गलत हूँ तो फिर मैं नहीं हारती थी, फिर मैं नहीं मानती थी और मैं बहस करती चली जाती थी। ठीक है, ये मेरी एक एट्रीब्यूट था, आप कह लें आदत थी खराब बुरी जो भी। लेकिन अब मेरी नजरों से एक हदीस गुजरी यहाँ कतर में आके कि यानी एक इंसान अगर हक पर भी है उसकी बात सही भी है लेकिन अगर उसकी वजह से फसाद पैदा हो रहा है और यानी वो गलत उसको समझा जा रहा है, ठीक है बेशक वो सही है, तो वो पीछे हट जाए और विड्रॉ कर ले और उसको मत बोले उस बात को और मत वो उसको आगे कंटिन्यू करे। अल्लाह अकबर। और उसको उसको सवाब मिलेगा फिर उस बात का, क्यों? क्योंकि उसने फसाद और लड़ाई होने से बचा लिया अपने आप को भी और अगले बंदे को भी। तो मुझे जब ये पता चला मैंने कहा अल्लाह अकबर, मैं फिर कितना गलत करती रही। इसका मतलब है कि ठीक है, मतलब जब थोड़ी सी बात करके मुझे अंदाजा हो गया है कि अगला बंदा नहीं समझ रहा तो मैं चुप कर जाऊं, मैं कहूँ ओके ठीक है राइट, बात को खत्म करने के लिए कि फसाद ना फैले, हालांकि मैं सही हूँ, हालांकि कोई वो उसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी राय ना, हालांकि मुसलमान ठीक थे वो गलत नीयत से नहीं कह रहे थे, तो अल्लाह ने कहा हट जाओ मत कहो, ठीक है खत्म करो बात को कि इससे फिर मजीद जो है ना वो फसाद ना फैले। और फिर जाहिर है जब वो इस तरह से राय ना करके कहते थे तो मुसलमानों को भी बुरा लगता था क्योंकि ऑटोमेटिकली वो होता है कि मतलब ये इंसल्ट कर रहे हैं आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि किसी को भी गवारा नहीं था, और फिर चांसेस थे ना कि वो फिर फसाद हो जाता वहां पे, तो उनको भी मना कर दे कि तुम भी मत कहो राइट, बेशक तुम ठीक हो लेकिन मत कहो। और फिर और ये और वाकई आज भी मतलब ऐसे होते हैं कुछ ना ऐसे शरीर लोग, बच्चों में भी इवन स्टूडेंट लाइफ में भी मतलब देखा मैंने, टीचर लाइफ में भी देखा कि मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्लोज होते हैं कुछ दूसरे मानी के, है ना, तो शरारती बच्चे जो होते हैं ना बदतमीज किस्म के वो दूसरा लफ्ज बोलेंगे जो गलत मानी वाला होता है, ठीक है, और जब उनको पूछा जाए कि क्या तुमने ये कहा है, तुमने नहीं 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 मैंने तो ये कहा है टीचर राइट, यानी फौरन बदल जाते हैं क्योंकि वो पास पास लफ्ज होते हैं ना, तो फिर अगले बंदे को ये यानी वो बावर कराना चाहते हैं कि तुमने ही गलत सुना मैंने तो सही बोला है राइट, यानी वो बच भी जाते हैं और अपनी वो शरारत और अपनी वो इवल जो है वो डिजायर उसको भी पूरा कर लेते हैं और बच भी जाते हैं और ग्रिप में भी नहीं आते। तो फिर अदब ये सिखाया गया है कि ऐसे लफ्ज ही मत बोलो, ठीक है, और ना ही किसी को बोलने दो और मौका भी ना दो। तो जो अल्टरनेट वर्ड सिखाया वो ये था कि उनजुर ना कहो, यानी जरा हम पे नजर कीजिए, जरा वेट कीजिए, क्योंकि उनजुर से ही सारा वो इंतजार करना जो वो बीसी से निकलता है कि इसका मतलब है कि हमें समझ नहीं आई बात, जरा रुक जाइए, जरा इंतजार कर लीजिए, जरा नजरे करम कीजिए हम पे, किसी भी तरह आप इसको देख लें, वनजुर ना लफ्ज बोला करो। और फिर एक और अहम जो अदब अल्लाह ताला ने सिखा दिया और कहा वस्मऊ, और सुनो, यानी ये तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम पहली दफा अच्छे से सुन रहे हो, है ना, मतलब देखे ना क्यों इंसान वो जरा सा आप अगर अच्छे से बात सुन रहे हैं ना ध्यान से तो आपको बात समझ में आ जाती है। और स्पेशली स्पेशली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, वो तो सुभान अल्लाह जो उनके बोलने का स्टाइल था वो ऐसा था, उनकी जो स्पीड थी बोलने की वो इतनी मुनासिब थी कि अगर सहाबा कहते हैं कि अगर कोई उनके अल्फाज गिनना चाहता ना तो वो गिन सकता था, सुभान अल्लाह, यानी और हर इम्पोर्टेंट बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा वैसे ही दोहराते थे। आपने अक्सर मतलब अहादीस में देखा होगा 3 दफा आपने जो है वो बात को दोहराया, हर अहम बात को वो 3 दफा दोहराते थे, और ना बहुत आहिस्ता बोलते थे कि सुनने वाला बोर ही हो जाए, ना बहुत तेज बोलते थे कि समझ ही ना आए बात की, ऐसा नहीं था, बहुत मीडियम वे था उनका बात करने का, सुभान अल्लाह, आवाज ना इतनी ऊंची कि वो कानों को बुरी लगे, ना इतनी नीची कि समझ ही ना आए अगले बंदे को, ठीक है, हर लिहाज से एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। तो मतलब फिर क्या वजह है कि समझ ना आए और उनको राय ना या उनको ना बोलना पड़े, इसका मतलब है कि उनका ध्यान खुद किसी और तरफ था, ठीक है, तो ये अदब सिखा दिया कि सुनो। अच्छा और एक देखें जो ग्रामर के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि वस्मऊ और वस्तमिऊ ये दोनों अलग अलग लफ्ज हैं, वस्मऊ का मतलब है सुनो सिर्फ सुनो, वस्तमिऊ का मतलब है गौर से सुनो,
अच्छा यहाँ ये भी, हालांकि मेरे जैसा मैं मतलब सोच रही थी, अल्लाह माफ करे, वैसे तो अल्लाह ताला के ज़ाहिर कलाम में हमें मजाल नहीं है बात करने की, कि मतलब फिर यानी ये उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं ना कि गौर से सुनो, यानी पहली दफा ही गौर से सुनो, जैसे मैंने अभी खुद बोल भी दिया एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन यहाँ वस्तमयू नहीं है इसका मतलब, है गौर से सुनो नहीं है इसका मतलब, यानी सिर्फ सुन तो सुनो, सिर्फ ये है, यानी जैसे मैंने अभी कहा ना कि सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात सिर्फ कुछ सुन भी रहा हो ना, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, उसको समझ आ जाएगी, गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुनो बस, बस सुनते रहो, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, इतने से ही तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। और दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि वही जिनको स्पेशली कहने की जरूरत पड़ती थी, मुनाफिक तो सरे फहरिस्त थे ही उसमें, यानी वो सुन भी नहीं रहे होते थे, गौर से सुनना तो क्या, वो सुन भी नहीं रहे होते थे, इसीलिए कहा सुनते रहो, यानी सुनो तो सही एटलीस्ट, राइट, यानी मतलब जो लोअर डिग्री अटेंशन है ना वो भी नहीं देते थे, तो तभी उनको बात नहीं समझ में आ रही थी ना, अगर वो हल्की सी जो लोअर डिग्री की भी अटेंशन है, जो खाली सुनना है, वो और से सुनना नहीं, खाली सुनने वाला काम भी कर लेंगे तो दैट वुड बी इनफ, सुभान अल्लाह। अच्छा, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और फिर आगे देखें जो मतलब ये कनेक्शन क्या बनता है कि बात तो हो रही है कि सुनो और जो है वो इस तरह ना कहो इस तरह कहो, और फिर आगे कनेक्शन देखें, फौरन क्या बात आ गई, काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। भाई काफिर एकदम कहाँ से आ गए, इसका मतलब है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इतनी अहमियत भी नहीं देते कि सुनते रहें, और फिर स्पेशली यहाँ पे सारे यहूदी हैं, लेकिन वो यहूदी जो उनको बिल्कुल काफिर डिक्लेयर कर दिया गया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत नहीं है दिल में तो उनका जो जाहिरी ईमान है ना वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और कह दिया और वॉर यानी एक पनिशमेंट सुना दी कि अगर तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो ये कुफर है, और काफिरों के लिए फिर सुन लो कि काफिरों के लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। अस्तग़फिरुल्लाह अलअज़ीम। मेरा ख्याल है यहाँ पे हम रुकते हैं इंशाल्लाह, अगली आयत फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, थोड़ा सा आज मैं मसरूफ हूँ तो मैंने कहा छुट्टी नहीं देते, इंशाल्लाह थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, छुट्टी देने से बेहतर है, तो इंशाल्लाह 104 से आगे हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए हमसे, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया है तो वो शैतान की तरफ से और मेरी तरफ से, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए, आप सब भी मेरे लिए दुआ करें, और अगर मैं सही बता पाई हूँ तो अल्लाह ताला हमारे दिलों में उसको मजबूती से रासिख कर दे और उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।